धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा का विधान है। शास्त्रों में कथा है कि भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के समय अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। हम आपको कुछ ऐसे आसान से उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें करने से आपके घर में धन प्राप्ति का योग बनेगा। इन उपायों को अपनाने से आपकी किस्मत एक रात में चमक जाएगी और आप पर धन वर्षा होगी। धनतेरस के दिन सूर्यास्त के बाद 13 दीपक जलाएं। 13 दीपक के पास 13 कौड़ियां रखें। बाद में आधी रात के बाद ये कौड़ियां घर के किसी कोने में मिट्टी के अंदर दबा दें। ऐसा करने से आपको अचानक धन लाभ हो सकता है। धनतेरस के दिन 13 दीपक घर के अंदर और 13 ही दीपक घर के बाहर जलाकर रखें। ऐसा करने से घर में दरिद्रता रूपी अंधकार दूर होता है। इसके अलावा ये रोशनी माता लक्ष्मी और धन के देवता भगवान कुबेर को घर के अंदर आने का निमंत्रण देती है। अगर आपके घर में लगातार पैसों की कमी है या पैसा टिकता नहीं है तो इसका भी आसान सा उपाय है। धनतेरस के दिन से लेकर लक्ष्मी माता के पूजन तक आप एक जोड़ा लौंग का माता को चढ़ाएं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि लौंग का जोड़ा खंडित ना हो। माता लक्ष्मी को लाल रंग के साथ सफेद रंग भी काफी प्रिय है, इसलिए आप धनतेरस के दिन चीनी, बताशा, सफेद कपड़ा, खीर या चावल किसी को दान करते हैं तो आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। साथ ही पैसा टिकने लगेगा और आपके कामों में आ रही अड़चने भी दूर होंगी। धनतेरस के दिन गौ माता को हरा चारा अवश्य खिलाएं, इससे घर में समृद्धि के योग बढ़ते हैं। साथ ही धनतेरस के दिन अपने खाने में पहला ग्रास गौ माता के लिए निकाले और वो हिस्सा गाय माता को खिलाने से घर में धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। इस दिन आप किसी मंदिर या पार्क में जाकर केला, तुलसी या किसी भी तरह का सुगंधित पौधा या पेड़ लगाएं। ये पेड़ या पौधा जैसे जैसे बढ़ेगा आपकी किस्मत भी वैसे ही चमकदार होती जाएगी। साथ ही आपको नौकरी और बिजनेस में भी मनचाही तरक्की मिलेगी। इस दिन नए बर्तन के साथ घर में नई झाड़ू भी लानी चाहिए। साथ ही भूलकर घर में रखी झाड़ू के ऊपर पैर नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको किसी काम में सफलता नहीं मिल रही है तो उस पेड़ की टहनी तोड़कर घर में लाएं जिस पर चमगादड़ बैठा हो। टहनी को घर के ड्राइंग रूम में रखें। ऐसा करने से समाज में सम्मान और तरक्की के योग बनते हैं। मिलम न्यूज़ रिपोर्ट।